इंदौर के राउजी बाजार थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला इंदौर के राउजी बाजार थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले 13 वर्षीय बालक ने अपनी मां के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां के साथ अंडे का ठेला लगाता है। वहीं उसके परिचित दीपक जायसवाल ने किसी काम का बोलकर गाड़ी पर बिठाकर ले गया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया। बालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये दिनांक 8 दिसंबर को एक 13 साल का बच्चा थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि वो अपनी माँ के साथ में अंडे का ठेला लगाता है और 8 तारीख को ही वो पानी बतासा खाने बाजार गया था। तो वहाँ पर उसी के पहचान का एक व्यक्ति है दीपक जायसवाल, वो उसको बहला फुसला कर अपनी मोटरसाइकिल पे ले गया कि चलो अपन कुछ सामान उठाना है तो आप तुम मेरे साथ में चलो। जब वो उसको ले जाता है और पास की झाड़ियों में उसके साथ में अप्राकृतिक कृत्य जो होते हैं वो करता है और उसके बाद में जब बच्चा घबरा जाता है और वो आकर अपनी माँ को बताता है तो वो माँ और बच्चा दोनों थाने पर आते हैं और उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस ने इस पूरी मामला को संज्ञान लेते हुए धारा 363, 370, 323, 506 और 3 और 4 लैंगिक अपराधों के बालकों को संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है। सर, ये क्या रिश्ता क्या था नहीं, ये जानता था, उनको परिचित था दीपक, जो मुख्य आरोपी, जो आरोपी है दीपक जायसवाल जो बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है, वो उनको जानता था। वो सर दीपक को रिकॉर्ड वो पूरा हम निकलवा रहे हैं, लेकिन दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।